आप ये सीधी तस्वीरें वाइसो पानीपत पर इस समय लाइव देख रहे हैं। पुलिस की टीम और डीएसपी संदीप खुद मौके पर हैं। असल में ये लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं ये आपको पूरा बताएंगे। असंध रोड की लाइव तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं ये लोग क्यों खड़े हैं। इससे पहले आपको बताएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़िए और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये भी खबर आपके काम की है। थोड़ी देर पहले हम लोग लाइव हुए थे, कोरोना के कितने केस पानीपत में आए हैं उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। और उससे पहले कोरोना से जो हम जानकारी दे रहे थे, उससे पहले एक सूचना हमने आपको और दी थी कि अगर आप मास्क लगा कर ना चले तो 500 रुपये आपको भरने पड़ सकते हैं। तो इसी को लेकर जहाँ सिविल वर्दी में आपको टीमें मिलेंगी हाथ में कॉपी लिए, वहीं पुलिस प्रशासन भी इस समय जो मास्क नहीं पहने उनके चालान काट रहा है। आप सीधी तस्वीरें जो है असंध रोड से देख रहे हैं। डीएसपी संदीप जो है खुद खड़े हैं और उनके साथ एसएचओ मॉडल टाउन सुनील कुमार और पुलिस की पूरी टीम इसलिए खड़ी है कि जो मास्क नहीं लगा कर चल रहे हैं उसका पालन करवाया जा सके। हालाँकि कल से ये लोग टीम जुड़ी है और पानीपत के मॉडल टाउन के अलग अलग इलाके से कल से ये टीम पूरी जुड़ी हुई है। कार में अगर जो आप लोग 4-5 जने लोग जा रहे हैं तो उसके खिलाफ भी जो है चालान किए जा रहे हैं, और सिंगल आदमी है वो जा सकता है, लेकिन तीन चार लोग हैं तो उनके चालान किया जा रहा है 500-500 रुपये का। तो ये सीधी तस्वीर इस समय वाइसो पानीपत पर लाइव देख रहे हैं। पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, मॉडल टाउन SHO के साथ DSP खुद संदीप यहाँ पर मौजूद हैं। तो पहले DSP साहब से ही बातचीत करते हैं कि उनका इस मामले में क्या कहना है। सर, आज विशेष नाका किसे लगाया जी? ये कोई नाका नहीं है, ये रूटीन की चेकिंग है, जो भी लोगों में अवेयरनेस करवा रहे, जागरूकता लाने के लिए भी जब सरकार ने आदेश कर रखे हैं कि मास्क लगा करके चलें, तो उनकी सेहत के लिए ही हम यहाँ खड़े हुए हैं उनके देखभाल करने के लिए। सर, कितने कल से आप लगे हैं, कितने दिनों से आप ये जब से सरकार ने की तरफ से आदेश पारित हुए हैं तो लोगों में जागरूकता लाने के लिए हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। अलग अलग इलाके में आप खड़े होते हैं कि असंध रोड पर? अलग अलग इलाके में, अलग अलग इलाके में अलग अलग टीमें लगी हुई हैं पूरे शहर में अलग अलग जगह पर। इससे लोगों को उनकी सेहत के बारे में अवेयरनेस किया जा रहा है ताकि अपना मास्क लगा कर के निकलें बाहर, इसमें उनकी भी भलाई है और शहर भी ठीक ठाक। सर, आपको नहीं लगता कि मतलब चालान से लोग नहीं समझ रहे, खुद लोगों को समझना पड़ेगा ये चीज़ें उन्हीं के लिए हैं जी? नहीं, लोगों को खुद भी समझना चाहिए और लोगों को इसी बात के लिए जागरूक किया जा रहा है ताकि लोगों को इस बात का ध्यान रहे कि भाई मास्क के बगैर निकलना उनके लिए और आम आदमी के लिए जरूरी है। तो कार में कितने लोग बैठकर जा सकते हैं जी बिना मास्क? बिना मास्क के कोई भी आदमी कहीं पर भी नहीं जा सकता। सिंगल आदमी हो तो सिंगल आदमी भी नहीं जाएगा, वो जाएगा तो मास्क लगा के ही जाएगा। तो आप लोगों से ड्राइव कर रहा है तो अलग बात है, लेकिन वो जैसे बाहर निकलेगा तो मास्क लगा के निकलेगा। लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से मेरी यही अपील है कि कृपया मेहरबानी करके आप अपनी सेहत का तरह अन्य आपके परिवार के तथा जो भी आपका बाहर आप निकलते हैं उनकी सेहत का ध्यान रखने के लिए कृपया करके मास्क लगा करके ही निकले। तो ये सर, ये अभियान आपका चालू रहेगा इस तरह कहीं? बिल्कुल चालू रहेगा, क्योंकि लोग हमारे इलाके के लोग अगर सेहतयाब रहेंगे तभी हमारा समाज सही सेहतयाब रहेगा। तो DSP संदीप सिंह से हमारे साथ जो बता रहे हैं कि रूटीन में ये रहेगा और जब तक लोग नहीं मानेंगे तब तक ये अभियान की शुरुआत जो है चलती रहेगी। तो अभी थोड़ी देर पहले लाइव जब शुरू होने वाला था उससे पहले भी कई गाड़ियों से निकाल कर लोगों के जो हैं चालान किए गए हैं। अभी सर बता रहे थे कि जो सिंगल आदमी है कार के अंदर, सिंगल आदमी ड्राइव कर रहा है तो बिना मास्क के रह सकता है, जैसे ही वो गाड़ी छोड़कर बाहर निकलेगा तो उसको मास्क लगाने की हिदायत दी गई है। सीधी तस्वीर आप समय असंध रोड से देख रहे हैं, पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर तैनात है और लोगों को अवेयर कर रही है कि आप लोग जो है मास्क पहनकर चलें। तो असंध रोड से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों से संबंधित ये खबर है। आप लोगों को बार बार अपील की जाती है कि आप मास्क पहनकर चलें, लेकिन आप मास्क नहीं पहनकर चलते, तो इसलिए पुलिस को मजबूरी में अब ये कदम जो है उठाना पड़ रहा है। आप देखते हैं कार में सभी लोगों की चेकिंग की जा रही है, एक से ज़्यादा जो लोग बैठे हैं बिना मास्क के उनके उनको रोका जा रहा है और उनके खिलाफ जो है सीधा 500 रुपये का चालान किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग जो हैं अब समझना शुरू हो चुके हैं, उनको पता है कि 500 रुपये का चालान भी भरना पड़ेगा और
लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और अपील भी की जा रही है। DSP खुद अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहन के घरों से चलें। तो आप परली साइड देख सकते हैं, एक मोटरसाइकिल सवार जो हेलमेट डाल के चल रहा था उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया है। उसके कागज़ चेक किए जा रहे हैं और उसके बाद उनका चलान किया जा रहा है। SHO मॉडल टाउन भी मौके पर मौजूद है और DSP की अपनी टीम मौके पर मौजूद है। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और फेसबुक के पेज को फॉलो जरूर करें, क्योंकि जो जानकारी हम आपको देते हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होती है। तो पानीपत के सराउंडिंग एरिया में अलग अलग जहां सिविल प्रशासन, तहसीलदार और ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं, वहीं पुलिस की टीमें भी अपने अपने हिसाब से चालान काट रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर ज़रूर करें। तो आप यह संत रोड से लाइव तस्वीरें इस समय देख रहे हैं। हालांकि पुलिस के डर से हम लोगों ने ये देखा है कि पुलिस के डर से लोगों ने मास्क लगाया जरूर है, लेकिन हम आपसे फिर अपील करते हैं कि मीडिया का कैमरा ना देखकर या पुलिस की टीम को देखकर आप ऐसा ना करें, मास्क लगाएं, रूटीन में लगाएं, क्योंकि एक मास्क की जो है इस समय फ़ायदेमंद है। कोरोना से संबंधित मास्क का आपको फ़ायदा ये बता दें, जो डॉक्टर बताते हैं कि किसी का सांस से आदान प्रदान ना हो और जो थूक होती है वो किसी के अंदर ना चले जाए, इसके लिए मास्क लगाना जो है उपयोगी किया गया। और हरियाणा सरकार ने आदेश भी जारी किए हैं कि जो लोग मास्क नहीं लगाते उसके खिलाफ 500 रुपये की सीधा है जुर्माना किया जाए। उन जो गरीब परिवार से संबंधित लोग हैं उनसे भी अपील की जाती है, क्योंकि आप लोग दिहाड़ीदार हैं, अगर जो मास्क लगा के नहीं चले तो जितना आपने कमाया एक दिन में उतना ही आपको चालान भरना पड़ सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें। और खबर जो तस्वीरें असंत रोड से हम लोग दिखा रहे हैं, चालान को लेकर आज पुलिस जो है सतर्क नज़र आ रही है। तो वॉइस ऑफ पानीपत के साथ जुड़े रहे, पल पल की जो अपडेट है हम लोग आपको देते रहेंगे और जो भी कोरोना से संबंधित है और जो आपसे संबंधित जितनी भी खबरें हैं हम लोग आपको देते रहेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।